नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त, बिल्कुल नेचुरल होम रेमेडी लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को कई गुना तेज़ी से लंबा, घना और मजबूत बना पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यह आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बंद करेगा और बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए यह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, इस रेमेडी में मैं एक ऐसा उपाय आप लोगों को बताऊंगा, ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के लेकर आया हूं, जिसके बारे में शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और आप लोगों ने इस नुस्खे को कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। इस वीडियो को दोस्तों एक बार अपने बालों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, यह रेमेडी जितना देखने में सरल है, यह उतना ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है आपके बालों को लंबा करने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए और बालों को पोषण देने के लिए। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आपकी बालों की जड़ों में ताकत नहीं पहुंचेगी, आपके बाल लंबे नहीं होंगे। तो आपके बालों की जड़ों पर भी काम करता है और बालों के ऊपर भी काम करता है, बहुत ही बेहतरीन है। और इस वीडियो को अंतिम तक इसलिए देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ हेयर फॉल में भी बहुत ही ज़्यादा असर दिखाता है। दोस्तों, इस रेमेडी को मैं शुरू करता हूँ और यह रेमेडी आपके बहुत ही काम आएगी, बिल्कुल नेचुरल है। और बालों को लंबा करने के लिए आप लोगों ने अब तक जितने भी उपाय किए हैं, यह आपको उन सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों, इस रेमेडी में सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है, लगभग एक चम्मच के आसपास दोस्तों आपको इसमें लेना है ओलिव ऑयल, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है ओलिव ऑयल लिया है। दोस्तों, ओलिव ऑयल के अंदर बहुत ही ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद होते हैं। ओलिव ऑयल बालों की जड़ों को ताकत देता है, न्यूट्रिशन देता है, बालों को झड़ने से, टूटने से बचाता है और हेयर ग्रोथ के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगा। तो पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया है ओलिव ऑयल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस नुस्खे में जो मैं अगली चीज़ लूँगा, वो चीज़ लूँगा दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको लगभग थोड़ी सी मात्रा लेनी है, लगभग आधे चम्मच के आसपास। एलोवेरा जेल दोस्तों स्किन के लिए और बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस रेमेडी में एलोवेरा जेल आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और बालों को लंबा करने के लिए यह रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, यह बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैं बेहतरीन बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह नेचुरल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बालों को लंबा करने के लिए लोग बहुत सारे तेलों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें केमिकल होता है और बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। लंबा होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यह बिल्कुल, जैसा कि आपको देखने पर ही लग रहा है कि यह बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है। यह आपको कम या ज़्यादा, जल्द या थोड़ा वक्त लेकर फ़ायदा ही पहुँचाएगा, इसलिए यह नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और मैक्सिमम लोगों को यह बहुत ही जल्दी फ़ायदा करेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कंप्लीट नुस्खा मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम इन दोनों को पहले आपस में मिक्स करेंगे। और एक और बात मैं बोल दूँ दोस्तों कि जो लोग अपने बालों को लेकर काफ़ी परेशान हैं, वो लोग इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों को बहुत नुस्खे आजमाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, वो भी इस नुस्खे को एक बार अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। यह नुस्खा आपके बालों को लंबा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम आएगा। यहाँ पर हमने इन सबको आपस में इस तरीके से जो है दोस्तों वो मिक्स कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अगली चीज़ जो मिक्स करेंगे, ये भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, वो आपको लेना है लगभग दोस्तों इतनी मात्रा आपको ये पाउडर लेना है। ये पाउडर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के निशान को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को इस वीडियो की पूरी जानकारी हो। पूरी जानकारी होगी तभी अच्छे तरीके से आप नुस्खे को बना पाएंगे। और जब तैयार आप अच्छे तरीके से नुस्खे को करेंगे, सारी चीज़ें होनी चाहिए उचित मात्रा में, जितनी अमाउंट मैंने लिया है, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। ये जो मैंने पाउडर लिया है दोस्तों, इसे अमृत फल कहा जाता है, इसे आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है। ये है दोस्तों आंवले का पाउडर। आंवले के पाउडर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बालों को काला करने के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं
और हेयर ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं और बालों में गंदगी रूसी वूसी नहीं लगने देते हैं, ठीक है। तो आंवला बालों के लिए कंप्लीट अपने आप में केयर होता है, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। लंबाई भी बढ़ेगी, काला भी होगा और बालों को झंडे से रोकने के लिए भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आंवला आपको लेना है, जितनी मात्रा मैंने ली है लगभग उतनी ही मात्रा आपको आंवले का लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे ले करके इन सबको आपस में मिक्स कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसकी मात्रा जो है दोस्तों वो ये आप ले रहे हैं, इसकी लगभग इतनी मात्रा आपको लेनी है, ठीक है। लगभग आधे चम्मच के आसपास आपको क्या करना है कि इसका पाउडर बना लेना है। इसके अंदर भी बालों को लंबा करने के ज़बरदस्त गुण पाए जाते हैं, यह बालों के हर प्रॉब्लम्स में फ़ायदा करता है। ये है दोस्तों मेथी। मेथी आपको घर पर आसानी से मिल जाएगा, आप लगभग इतना मेथी लें और इससे लगभग आधा चम्मच आप इसका पाउडर बना करके, आपको क्या करना है दोस्तों आधा चम्मच इसका पाउडर बना करके आपको इस रेमेडी में मिक्स कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये जो कोमल पत्ते देख रहे हैं, ये अमरूद के कोमल पत्ते हैं, ठीक है। आपको ये ऊपर वाले अमरूद के लगभग दो, इतने बड़े साइज़ के लगभग दो कोमल पत्ते लेने हैं और इसे भी बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और बहुत तरह के नेचुरल विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों को काला करने के लिए भी और बालों को लंबा करने के लिए भी और बालों को टूटने से बचाने के लिए भी अमरूद के अंदर ज़बरदस्त क्षमता पाई जाती है दोस्तों। तो आपको ये कोमल पत्ते लेने हैं और इसका पेस्ट तैयार करके आपको इसमें मिला लेना है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप इस रेमेडी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, इसे ले करके आप सबसे पहले अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से मालिश करें, बिल्कुल तेल की तरह आप इसे लेकर के अपने बालों की जड़ों तक मालिश करें, जड़ों से लेकर सिरे तक आप इसे मालिश करें, ठीक है। उसके बाद पूरे बालों पर एक लेप की तरह लगा लें और इसे लगा करके आप रात में रखें और रात में लगा लें और या दिन में दोपहर में कभी भी आपको मौका मिले आप एक बार लगाएं, लगभग एक दो घंटे लगा करके रखें। कोशिश कीजिए कि आप सुबह में ही या दोपहर में ही लगाएं, ठीक है। एक दो घंटे रखें और एक दो घंटे के बाद आप नहा लें। हर दिन इसका प्रयोग करो दोस्तों, आप पाएंगे कि आपके बालों को लंबा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।